आप लोग का ज्योमेट्री ऑफ डाइपोल मोमेंट की क्लास में बहुत बहुत वेलकम। अच्छा जी, आज हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री ऑफ डाइपोल मोमेंट। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो ये आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी, लेकिन ये समझने से पहले हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमें पता है कि पोलरिटी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रॉन डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलरिटी। तो हम ये कह सकते हैं हमारा जो डायपोल मोमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो जो एलिमेंट जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके पास उतनी ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगी, जिसके पास जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी डायपोल मोमेंट जीरो के बराबर होगी या लेस देन जीरो होगी। तो ये इक्वेशन अगर आप लोग के जहन में है तो आगे आप लोग ज्योमेट्री आसानी से समझ सकते हैं। अच्छा, हम पहले ये बात कर चुके हैं कि पोलरिटी के ऊपर डिपेंड करता है मॉलिक्यूल, डायपोल मोमेंट जो है किसी भी मॉलिक्यूल की वो पोलरिटी पे डिपेंड करती है। तो अब हम कह रहे हैं कि डायपोल मोमेंट नॉट ओनली डिपेंड ऑन पोलरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल बट आल्सो इट डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। अच्छा, अब ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल किस तरीके से, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल हम डिफाइन कर सकते हैं, ज्योमेट्री हम ऐसे बता सकते हैं कि जिस मॉलिक्यूल की हमने ज्योमेट्री डिफाइन की उसके पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड है या फिर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, उसका स्ट्रक्चर लीनियर है या उसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल है या टेट्राहेड्रल है, ये हम ज्योमेट्री डिफाइन करेंगे। अच्छा जी, अगर हम मिसाल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है लीनियर। लीनियर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनता है, तो इसका एंगल जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा 180। 180 इसका एंगल बनेगा, यानी कि अब ये हमने कहा कि पोलरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करती है, इसके पास पोलरिटी बहुत ही ज़्यादा कम है, इसकी बिल्कुल लीनियर शेप बन रही है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी जीरो होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है तो इसका डायपोल मोमेंट जो है वो भी जीरो ही होगा। ये हो गई कार्बन डाइऑक्साइड की ज्योमेट्री। अभी हमारे पास इसका डायपोल मोमेंट जीरो है तो यानी कि इसकी पोलरिटी जो है वो भी जीरो है, तो ये हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड रखेगा। ओके, आगे चलते हैं। अब अगर हम बात करें, ये हो गया हमारा लीनियर स्ट्रक्चर, अब अगर हम आगे बात करते हैं ट्राइगोनल स्ट्रक्चर की, हम मिसाल ले लेते हैं SO2, ठीक है, सल्फर, ये हमारे पास SO2, ये हमारा ट्राइगोनल स्ट्रक्चर हो गया। अब ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है यानी कि इसका एंगल जो बनेगा हमारे पास 120, इसका एंगल बनेगा ट्राइगोनल है तो इसकी हमारे पास जो डायपोल मोमेंट होगी वो ग्रेटर देन जीरो। डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन जीरो है तो हमारे पास इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो यानी के इसके पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए हमने मिसाल लिया है मीथेन, ठीक है, इसके चारों तरफ एच जो है वो अटैच होता है। अब ये जो है चारों तरफ से ये सेमेट्रिकल शेप बन रही है, सेमेट्रिकल शेप बन रही है इसकी, यानी कि ये चारों तरफ से बराबर है, तो इसका एंगल जो होगा हमारे पास 109 इसका एंगल बनेगा, और इसका डायपोल मोमेंट जो है वो जीरो होगा तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी जीरो होगा। डायपोल मोमेंट जीरो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है, तो ये बॉन्ड जो होगी वो होगी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड इसकी बनेगी।
आप लोगों ने देखा किस तरीके से ज्योमेट्री से हमने इनका एंगल बताया, इनकी डायपोल मोमेंट बताई, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बताया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमने बताया कि ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड रखता है या नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड रखता है। ओके गाइस, अगर आप लोग को समझ आया होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।